हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज हम लोग संस्कृत पैडागॉजी और संस्कृत व्याकरण के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में यह 8वां लेक्चर है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कैलाश गिरी कुत्र अस्थि। कैलाश पर्वत, गिरी मतलब पर्वत, तो कैलाश पर्वत कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट हिमालय, ऑप्शन सेकंड उदयाचले, ऑप्शन थर्ड गंधमादने, ऑप्शन फोर्थ अस्तचले। ठीक है दोस्तों, तो कैलाश पर्वत जो आता है वह आता है हिमालय के अंतर्गत, वह आता है दोस्तों हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है, लबंते इत्यत्र धातु रूप अस्थि। लबंते में धातु कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है लभ, पिभ, शुभ या लभ। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही उत्तर है, देखिए एक है लभ, एक है लभ, तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है लभ। ठीक है, बाकी तो आप वैसे ही हटा सकते हो ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, भगवत गीता प्रथम अध्याय से नाम किम। भगवत गीता में जो पहला अध्याय है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है कृष्ण विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग और अर्जुन विषाद योग। तो दोस्तों भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, और यह महाभारत का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और जो उसका पहला अध्याय है वह है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, इसमें अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों पे, अपने या जो उनके आदरणीय लोग थे उनके ऊपर वो हथियार नहीं उठा सकते, उनको नहीं मार सकते। तो उसको उसमें अर्जुन विषाद योग में ये सारी बातें उनमें कही हैं। तो दोस्तों ये जो महाभारत है वो किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। ठीक है दोस्तों, वेद व्यास जी ने। और महाभारत का एक पाठ है क्या? भगवत गीता, जिसमें कल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता एक अति अध्याय संति। भगवत गीता में कुल अध्याय कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 18, 10, 12 या 15। तो अभी मैंने आपको जो बताया भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल अर्थ क्र प्रत्यय। ठीक ना, वर्तमान काल के लिए कौन सा प्रत्यय हम यूज करते हैं? ऑप्शन है तव्य, अनियर, कत्वा या लेप, कत या कत्वतु, शर्त या शानश। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान काल के लिए शर्त और शानश का उपयोग किया जाता है प्रत्ययों में। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय में शर्त और शानश का यूज किया जाता है किसके लिए? वर्तमान काल के लिए। वहीं कत्वा और कत्वतु को भूतकाल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? भूत काल के लिए यूज किया जाता है, पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्वयि अत्र का विभक्ति। त्वयि में कौन सी विभक्ति है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है तृतीय संबोधन षष्ठी या सप्तमी। तृतीय संबोधन षष्ठी या सप्तमी, तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वह है क्या? सप्तमी। क्या है? सप्तमी। त्वयि का शब्द रूप में जो विभक्ति है वह है सप्तमी। विभक्ति यहाँ क्या बताता है दोस्तों? ये कारक का रूप बताता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह जो सातवें नंबर पे आता है षष्ठी के बाद सप्तमी, तो यह बताता है कौन सा कारक है या कौन सी विभक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यामी इति पदस्य अयम लकार। ठीक है, यामी में कौन सा लकार है? ठीक है, ऑप्शन है लेट लकार, लिट लकार, लट लकार या लृट लकार। दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वह है लट लकार। कौन सा? लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, यह वर्तमान काल की बात करता है। लिट लकार भविष्य काल की बात करता है, भविष्य काल की बात करता है। ठीक है दोस्तों, लिट में वर्तमान काल, यामी केस में है वर्तमान काल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामायणे कति श्लोका सन्ति। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन है विंशति सहस्रम, पंचविंशासिसम, ऑप्शन थर्ड है चतुर्विंशति सहस्रम या षड्विंशति सहस्रम। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है चतुर्विंशति सहस्रम, और इसको पुराने नाम भी, रामायण का जो पुराने नाम के अनुसार इसको चतुर्विंशति सहस्रम भी कहा जाता है। किसने लिखा है दोस्तों? यह लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखा दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि ने।
ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रचित है क्या, रामायण या चतुर्थी चतुर्वी विंशति सर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला है भासस्य रामकथा धारितानि एतावन्ति नाटकानि सन्ति। ठीक है ना, राम भास भास ने जो अपने रचनाएं करी हैं तो भाष्य के अनुसार उनमें राम कथा कितनी कितने उन्होंने राम कथा की रचनाएं की थी। ठीक है ना, उन्होंने जो कई नाटक लिखे थे दोस्तों, और नाटक में उनमें कुछ राम कथा भी थी, तो यही हमें बताना है कि भास ने जो लिखा था उसमें राम कथा कितनी थी। ऑप्शन है दवे, चत्वारिस, अष्ट, एकम, मतलब 2, 4, 8 या 1। ठीक है दोस्तों, भास की बात हो रही है तो भास के बारे में पहले ये समझ लीजिए कि भास ने लिखा था स्वप्नवास वदतम, प्रतिज्ञान गंधरायन और चारुदत्तम। ठीक है, इनकी ये तीन मुख्य रचनाएं थी भास्य की। ठीक है, और उन्होंने राम कथा के ऊपर जो लिखी थी वो कितनी लिखी थी दोस्तों, दो लिखी थी। राम कथा के ऊपर क्या लिखी थी, दो लिखी थी, कुल दो नाटक लिखे हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामकृष्ण समास, रामकृष्ण में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। तो दोस्तों अगर आप हिंदी भी, अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांग है तो आप इसको देखिए, आप कैसे लिखेंगे राम और कृष्ण, आप लिखेंगे राम और कृष्ण, आप लिखेंगे इसको राम और कृष्ण, और जहां कहीं भी आपको और नजर आ जाए, और नजर आ जाए या नजर आ जाए, मतलब क्या है, बीच में एक आपने डंडा लगा है, डंडा मतलब द्वंद लगा है, द्वंद है तो कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद समास। कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद के बारे में बात करेगा, तत्पुरुष में कारक, कोई ना कोई कारक आपको नजर आएगा, अव्ययभाव समास में आपको एक अव्यय नजर आएगा जैसे प्रति, यथा, इस तरह का, और द्वंद समास में आपको और नजर आ जाता है ना, दो शब्दों के बीच में एक द्वंद नजर आएगा, तो द्वंद मतलब क्या, और नजर आना। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा द्वंद समास, राम और कृष्ण। ठीक है ना, रामस्य कृष्णस्य। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत युद्ध कति दिनानि यावत् प्रचलत। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। ऑप्शन है 21, 16, 18 या 12। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है 18 दिन, ये फैक्ट है ना, 18 दिन चला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य चुनत। ठीक है, सर्प मूषकम अगलित, सेकंड है सर्प मूषक गिलती, सर्प मूषक गिणवान, और चौथा ऑप्शन है सर्प मूषक गिलितवान। ठीक है ना, हमें अशुद्ध चुनना है दोस्तों। ठीक है ना, अशुद्ध, तो अशुद्ध में देखिए सर्प मूषक अगलित ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है सर्प मूषक गिलती, ठीक है ये भी सही है, गिलती है ना, और सर्प मूषक गिड़वान। ठीक है ना, आखिरी ऑप्शन जो है बस ये सर्प मूषक गिलितवान है ना, ये नहीं होता, गिलितवान है ना, गिणवान, गिलती और अगलित, ठीक है गिलितवान नहीं होगा। तो उसका सही आंसर उत्तर क्या होगा दोस्तों, मूषक गिलितवान। ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ ल ड में परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि कुछ लोगों को लग रहा हो गिल्डवान ये हुए क्योंकि बाकी जगह गिल गिल चल रहा है ना, तो यहाँ क्या हुआ, ल का ड में परिवर्तन, ना का है ना, ना ना साउंड भी आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साधुम किम, सही शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है जानने स्वस्ति, जने स्वस्ति, जनभ्य स्वति या जननास्वति। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा जनभ्य स्वस्ति। ठीक है, अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला है पंचतंत्र कति भेदा संति, पंचतंत्र में कुल कितने भेद थे। तो दोस्तों पंचतंत्र में भेद कितने थे, 5। ऑप्शन था हमारे पास 3, 8, 12, 5, तो सही उत्तर क्या है, 5। पंचतंत्र में कौन से 5 भेद थे ये भी आप जान लेते हैं। पहला था दोस्तों मित्र भेद है ना, दूसरा था मित्र लाभ, दूसरा था मित्र लाभ, ठीक है दोस्तों, तीसरा था संधि विग्रह, तीसरा था संधि विग्रह है ना, उसके बाद था लब्ध प्रणाश, उसके बाद क्या था दोस्तों, लब्ध प्रणाश है ना, उसके बाद जो आखिरी था वो कौन सा था, अपरिचित कारक, अपरिचित कारक।
है ना। कौन कौन से थे दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। एक था मित्र भेद, दूसरा था मित्र लाभ, तीसरा था संधि विग्रह, चौथा था लब्ध प्रणाश और पांचवा था अपरीक्षित कारक। ठीक है, पंचतंत्र में पांच कारक थे। ठीक है दोस्तों, और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, यह विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमः शब्द योग है का विभक्ति। ठीक है, नमः, नमः में, एक मिनट, नमः में कौन सा, कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन है सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी या पंचमी। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर होगा वह होगा कौन सा, चतुर्थी। कौन सा, चतुर्थी, है ना, शब्द रूप के लिए चौथा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप वर्ग 3 से रिलेटेड और भी जो सीरीज़ हैं आप उन्हें देख सकें। थैंक यू।